सारे काम होते हैं और इसीलिए हमें कभी कभी पार्लर जाना पॉसिबल नहीं होता, या फिर घर में हमें इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, त्योहार होता है, सजावट होती है, स्वीट डिशेज बनाने होते हैं, तो इसमें हमें वक्त नहीं मिल पाता है। तो ये अगर प्रोडक्ट आपके घर पर है तो इसको आप घर पर ही यूज कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जितना क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आप 10 फेशियल्स तक यूज कर सकते हैं। तो आपको ब्यूटी पार्लर जैसा, स्पा पार्लर जैसा आपका ब्यूटीफुल स्किन और आपका ब्यूटीफुल ग्लो ऑन द फेस कैन बी हियर एट होम। अब मैं इसके कुछ और इंग्रेडिएंट्स आपको बताना चाहती हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है और उसके बहुत फायदे भी हैं। उसमें से एक है विच हेजल, और ये जो है ना, ये सूदिंग इफेक्ट के साथ में आपको आपके स्किन में जो पफीनेस आता है वो निकाल देता है। आप देख पा रहे हो, ये मसाज की वजह से ये क्रीम स्किन के अंदर जाके स्किन को और भी रिच बनाती है, यंग बनाती है और ब्यूटीफुल बनाती है। इसी के साथ में है इसमें सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल का बेनिफिट ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का तरह काम करता है और इसी के साथ में आपके स्किन को मॉइस्चर दिलाता है। सो दिस इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट। उसके साथ में आपको बता दूं, ऑरेंज है और लेमन है। हम सभी जानते हैं कि ऑरेंज और लेमन है, इनमें विटामिन सी बहुत होता है। इसका इंग्रेडिएंट इसमें होने की वजह से फायदा ये होता है कि हमारे स्किन को विटामिन सी मिल जाता है और ये स्किन और ग्लो हो जाती है और यूथफुल हो जाती है। इसके साथ में पोमेग्रेनेट, कॉर्न ऑयल, आमंड ऑयल और तुलसी और मंजिस्टा है, और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट होने की वजह से ये हमारी स्किन को मॉइस्चर कराती है, एंटीऑक्सीडेंट बनाती है और इसी के साथ में ये बहुत ही अच्छा लुक दिलाती है, हमारे लाइंस और रिंकल्स को हटाती है। सो दिस क्रीम, दिस थर्ड स्टेप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप इसको 3 मिनट्स कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है तो आप इससे ज्यादा करें तो भी कोई हार्म नहीं है, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देख पा रहे हैं कितने ब्यूटीफुली मसाज हो रहा है। आप देख पाओगे हमने थर्ड स्टेप तक आए हैं। फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग मिल्क, जो कि हमारे फेस के स्किन को क्लीन करता है। सेकंड स्टेप स्क्रब है, जो कि एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है और ये हमारे स्किन पर जितने भी डेड स्किन है या जर्म्स है और जो भी पार्टिकल्स है उन सबको निकालता है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को निकालता है। थर्ड स्टेप अभी हम कर रहे हैं, ये थर्ड स्टेप है क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं, और इस क्रीम से हमें फायदा ये होता है कि हमारे चेहरे की स्किन जो पैची है, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, और ये जो अनइवन टोन है इसका, ये पूरा एक जैसे होगा और ये हमारी स्किन जो है वो इवन टोन दिखेगी आपको। एजिंग के फैक्टर में हमें दिखाई देता है कि पिगमेंटेशन स्टार्ट होता है। काफी लोगों के फोरहेड पर या चिक्स पर पिगमेंटेशन स्टार्ट होता है, डार्क स्किन हो जाती है या स्पॉट्स हो जाते हैं, और ये डार्क स्पॉट्स आपके स्किन को, आपके फेस की ब्यूटी को खराब करते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ये फेशियल किट यूज करिएगा, और इसी स्टाइल से ये 5 स्टेप करके आपका फेशियल जरूर करिएगा, रेगुलरली करिएगा, ताकि आप इन डार्क स्पॉट्स और पैची स्किन और पिगमेंटेशन से बच सकते हैं। आप इसके बाद में हमारा पूरा स्किन जो है फेस का, इसको वाइप ऑफ करिए सिंपल, अगेन रेगुलर वाटर और स्पॉन्ज के साथ में। जब ये पूरा वाइप ऑफ हो जाए
क्लीन हो जाए, ड्राई करिएगा उसको आपके टक के स्टॉल से, पैक ड्राई करिएगा, खींचिएगा नहीं उसको, ज्यादा तानिएगा नहीं। अगर आप चाहो इस स्टेप के बाद में आप स्टीम ले सकते हो, स्टीम लेके फिर से आपको ये चेहरे को ड्राई करना है। और उसके बाद में हमारा फोर्थ स्टेप है, वो है ये ब्यूटीफुल सा मास्क। ये पिल ऑफ मास्क है, इसमें सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देखिए ये मास्क अप्लाई कैसे किया जाता है। ये जेल फॉर्म में है और ये जेल आपको आपके फेस पर इवनली अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं इन मैडम की स्किन ऑलरेडी बहुत ग्लो हो रही है इन थ्री स्टेप्स में। और ये फोर्थ स्टेप जो है, ये फोर्थ स्टेप आप पिल ऑफ मास्क बोलते हैं इसे। और ये पिल ऑफ मास्क बहुत जरूरी होता है और ये हमारी स्किन को और भी टाइटनिंग इफेक्ट देगा और रिंकल्स आने से बचाएगा। आप देख पा रहे हो ये इतना सिंपल है यूज करना। हम बहुत डरते हैं कि पार्लर में जाएंगे ये करेंगे तो हमारी स्किन खराब होगी, हमें डर लगा रहता है, कभी कभी टेंशन भी आता है। पर आप ये घर पे करिएगा क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं। और उसी के साथ मैं बता दूं कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमें इससे कोई हार्म नहीं है और इतने सिंपल तरीके से हम कर पाते हैं। कुछ ही देर में हमारा घर पे ये फेशियल बन जाता है, हो जाता है और हम रेडियंट स्किन पा लेते हैं और रिंकल्स से और एजिंग के फैक्टर से दूर हो जाते हैं। ये थर्ड, ये फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप फास्ट फैन करके उसके नीचे बैठ जाइएगा या फिर एसी ऑन करिएगा और उसके सामने इसको करीब करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ये पील ऑफ है इसीलिए ये जब पूरा सूखेगा तो पील ऑफ कर सकते हैं उसको आप, और इसी से देखेंगे आप कितना ब्यूटीफुल रेडियंट स्किन हो जाएगा। ये स्टेप हो जाने के बाद में आपको एक लास्ट स्टेप बच जाता है और ये लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन को फेशियल के बाद में एकदम नाजुक सा लुक आ जाता है, बहुत ब्यूटीफुल लुक आ जाता है। और इसको एनरिच करने के लिए, इसको और ग्लो करने के लिए ये लास्ट स्टेप है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्राइटनिंग फ्लूइड है इसका नाम, ये फिफ्थ स्टेप है, आप देख पा रहे हो। ये लिक्विड जो है ये आपको हाथों पर लेकर पूरे फेस पर टैप करके ब्यूटीफुली लगाना है और इसको ऐसे ही छोड़ना है। ये आपको बहुत बहुत अच्छा लुक दिलाएगा, फील दिलाएगा। और थोड़ा मैं मन की बात बोल दूँ, ये सारे प्रोडक्ट इतने ब्यूटीफुली फ्रेग्रेंस है कि आपका माइंड भी इससे इसके साथ में ताज़ा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा और आप बहुत एनरिच फील करोगे, बहुत ही हाई अच्छा फील करोगे और आपको एक अजीब सी एनर्जी फील होगी कि हमने ये ब्यूटीफुल सा फेशियल घर पर कर लिया है। देख पा रहे हैं कि हमने जो फेस मास्क लगाया हुआ था इसको हम कुछ देर रखने के बाद में ये सूख जाने वाला है। और इसके बाद में लास्ट स्टेप आपको बस वो जो लास्ट स्टेप है, जो लास्ट प्रोडक्ट है उसको अप्लाई करके छोड़ना है। यहाँ पे ये पूरा होता है हमारा लाइव डेमो। मैं आपको फिर से बता दूं, हमने आज एंटी एजिंग फेशियल किट आपको जो टाइमली रिपेयर उसको हम बोलते हैं, इसका डेमो, लाइव डेमो आपको दिया। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी ज्योति मैडम का, पूनम मैडम का और उसी के साथ में हमारी वृतिका मैडम का जिन्होंने इस वीडियो को लाइव करने में मेरी हेल्प की। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल लाइव सेशन ऑफ द प्रोडक्ट।
दैट इज एंटी एजिंग टाइमली रिपेयर फेशियल किट, जो कि हमारी डेजॉय की कॉस्मेटिक में से एक है. थैंक यू वेरी मच.